पाकिस्तान फंस गया सिचुएशन में, तालिबान से ये उम्मीद वाबस्ता न करें, जब वो इख्तदार में आ जाएं तो पाकिस्तान के साथ बहुत हुस्न सलूक करेंगे। पाकिस्तान फंस गया सिचुएशन में, अफगानिस्तान में ये दोनों ग्रोह हैं, ये मसालियत पर आमादा नहीं है, अशरफ गनी इख्तदार चाहता है, इख्तदार छोड़ना नहीं चाहता, वो इसके बगैर मसालियत पर आमादा नहीं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन, वो कहते हैं इन्होंने इंपीरियलिज्म से मिलके, गैर मुल्की हमलावरों से मिलके हमारा कत्लेआम किया है, लाखों आदमियों को नुकसान पहुंचा। अभी जो माइग्रेशन है वो कुछ 3 मिलियन को छू रही है, शहरों से लोग हिजरत कर रहे हैं। आज की सूरत हाल ये थी कि वो क्या शहर का नाम है, हेलमंद का जो शहर है उसमें लफ्ज़ शहर भी आता है, उस पर तालिबान ने, हालांकि कल बमबारी भी की थी अमरीकियों ने, उस पर कब्जा कर लिया कुछ हिस्से पे, और वो एयरपोर्ट समेत पूरे कस्बे पे कब्जा कर रहे हैं, लश्कर का अभी जिला गिजरा का भी आ रहा है, ठीक है, अच्छा वहाँ पे कब्जा हो गया। अब अमरीकियों ने तो बिल्कुल उसको ठीक असेस नहीं किया था कि तालिबान इतनी तेजी के साथ पेशरफ्त करेंगे। देखिए पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो चमन का बॉर्डर है उस पर उन्होंने टैक्स वसूली शुरू कर दी, ऐसा ही अगरचे वो कम है टैक्स हुकूमत के मुकाबले में, लेकिन वो उनको हुकूमत को भी, जब वो शहरों में जाएंगे तो हुकूमत भी टैक्स वसूल करेगी, डेफिनेटली चीजों महंगाई होगी, एक तो हिजरत, एक बाहमी खाना जंगी, एक महंगाई, जिंदगियां महफूज नहीं है। अच्छा अब गए हमारे लोग, पाकिस्तान का डायलमा क्या, मैं आपसे अर्ज करता हूँ मसला क्या जी। एंटनी ब्लिंकन साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सुभान अल्लाह, क्या हम आपके स्ट्रेटेजिक, और पाकिस्तान उम्मीद है कि तालिबान को मजबूर करेगा, अपना रोल प्ले करेगा, मजबूर करेगा कि वो ताकत से कब्जा ना करें। पाकिस्तानों ने मजबूर कैसे कर कैसे सकता है, पाकिस्तान ने अब तक जो कुछ किया उसकी कीमत यह है कि अफगानिस्तान से अमरीका की मौजूदगी में भारत यहाँ दहशतगर्दी करता है। दो चीजों पे पाकिस्तान कभी समझौता नहीं करेगा, हालांकि हमारी सलामती अफगानिस्तान से वाबस्ता है, लेकिन दो चीजों पे समझौता नहीं, दो तीन चीजों पे कोई समझौता नहीं होगा। एक तो अमेरिका को यह समझना होगा कि इंडिया का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं, सबसे ज्यादा बेचैन इंडियंस हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत को बचा सकते हैं तो बचा लें, मगर अफगान फौज तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो तो हथियार डाल रहे हैं, छुप रहे हैं, भाग रहे हैं। अच्छा वार लॉर्ड्स के लिए लड़ेंगे तो तबाही आएगी ऐसी कि जिसकी कोई हद नहीं, फिर उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है, तीसरा कोई और ग्रुप भी उठ सकता है, सवाय समझौते के कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। और समझौते में दो तरह से, एक तो वो अंदर मिल बैठे हैं, सबसे अहम बात तो यही है, और माजी को भूल जाए, वही नेल्सन मंडेला वाली अप्रोच जब तक नहीं होगी। नेल्सन मंडेला क्या जनाब, रिसालत महाज मक्का, नेल्सन मंडेला का एक नहायत काबिले तहसीन उसका रवैया रहा है, जनाब रिसालत महाज मक्का में दाखिल हुए थे तो क्या किया था, यह नहीं जनाब रिसालत महाज को कि जान लेने की मनसूबाबंदी की गई, क्या क्या जुल्म नहीं, बिलाल को सड़कों पर घसीटा गया, अम्मार को मार डाला गया, कितने लोग हैं जिन पर कोड़े बरसाया गया, 2.25 साल शेब भी था, फिर उन्होंने क्या किया था, ये कहाँ इस्लाम के नाम लेवाए, वो जनरल हमीद गुल उनकी मखरत करे कहने लगे आखिर वो इस्लाम का नाम तो लेते हैं। मैंने कहा जनरल साहब, आदमी बहुत अच्छे थे, मैंने कहा जनरल साहब मैंने अफगानिस्तान में दाढ़ियाँ बहुत देखी, पगड़ियाँ बहुत देखी, नमाजें पढ़ने वाले बहुत देखे, इस्लाम कहीं नहीं देखा, इस्लाम खैर खाई है, नरमी है, मफाहमत है, इंसानी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं। अच्छा अब पाकिस्तान जो है चीन के साथ एंगेज कर रहा है, अमेरिका के साथ एंगेज कर रहा है, अमेरिका से अपने तकल तालुकात कशीदा नहीं करना चाहता, मगर ना सीपैक को छोड़ सकता है, ना चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप छोड़ सकता है, ना भारत को इन्वॉल्व होने दे सकता, ना भारत को अफगानिस्तान इन्वॉल्व होने। अच्छा अमरीकी ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपना नुकसान करके, अपने आप को मुसीबत में डाल के, पाकिस्तान अब वैसे कुछ कर सकता ही नहीं है। पाकिस्तान, एक दिलचस्प बात आपको बताऊं जो हमारा मीडिया बिल्कुल उजागर नहीं कर रहा, तालिबान से ये उम्मीद वाबस्ता न करें, जब वो इख्तदार में आ जाएं तो पाकिस्तान के साथ बहुत हुस्न सलूक करेंगे।
ये उम्मीद वाबस्ता न करें चाइना के साथ जो मुलाकात। लेकिन जाहिर है हम अशरफ गनी को तो कबूल नहीं कर सकते जो यहाँ दहशतगर्दी कराता है। वैसे जो अपना थे ना लास्ट 30 सेकंड है मेरे पास, तालिबान का डेलीगेशन जो चाइना में गया, उनसे कहा गया कि दासू में आपके लोग थे और सिंकियांग के लोग थे, उनको समझाएं, उनको 12 लाख बैन अल-अक़वामी रिकग्निशन दिया। पाकिस्तान बैलेंस करना चाहते चीन और अमेरिका के दरमियान, इसमें उसे दुश्वारी पेश आ रही है, लेकिन कितनी ही दुश्वारी पेश आए चीन के साथ ताल्लुकात जो है वो कल के काटा गया ना जी बिल्कुल, उसको सेक्रीफाइस नहीं किया जाए। बड़ा ये एक डेवलपिंग स्टोरी है क्योंकि चाइना की तरफ से ये अश्योरेंसेस दी गई पाकिस्तान को, ये कहा गया कि पाकिस्तान पर हमला जो है वो चाइना पर हमला तसव्वुर किया जाएगा, और अमेरिका बहादुर नाराज नजर आता है, कहता है डू मोर और तालिबान को चाइना से दूर करें और वहां पर अमेरिका की गेम खेलें, भारत को रोल दें पाकिस्तान के इस इनकार पर। और अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान के सफीर करना चाहते थे और उनकी साहबजादी जिस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक साजिश रचाई गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको रास्ते में ही पाकिस्तान की एजेंसीज ने पकड़ लिया। उसके जवाब में जलालाबाद में पाकिस्तान कौंसुलेट के एक स्टाफर पर जो अपनी गाड़ी में थे उन पर हमला किया गया, पिस्तौल से उन पर गोलियां चलाई गई। लेकिन जो वहां से खबरें आ रही हैं जलालाबाद से, उसमें पाकिस्तान के जो कौंसुलेट जनरल हैं उन्होंने ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानी जो जलालाबाद में काम करते हैं वो महफूज हैं, उनकी जानें महफूज हैं। इसका मतलब यह है कि ये गोलियां तो चली लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी स्टाफर था वो महफूज रहा। काबुल में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसने भी एक प्रेस जारी किया है नोट, इस बात की तस्दीक किया उन्होंने कि जलालाबाद में ये इस तरह का हमला हुआ है। अब ये सब कुछ मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया, ये पाकिस्तान के ऊपर एक साजिश है। और इस साजिश में आप देखें जिस वक्त पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान के जो स्टाफर्स हैं एम्बेसीज में, अफगानिस्तान में उन पर हमले हो रहे हैं, भारत जो है वो खुलकर सामने आ गया है, तो उसमें पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमाते हैं कश्मीर के इलेक्शन को बुनियाद बनाकर ये कह रही हैं कि हम कश्मीरियों को हकूक दिलवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है चाहे वो नून लीग है, आप यकीन करें इस हमाम में वो नंगे हो गए और बिल्कुल जो पाकिस्तान दुश्मनी, पाकिस्तान इदारों की दुश्मनी वो जो कर रहे हैं वो सामने खुलकर आ गई। अब किसी इबहाम की जरूरत नहीं, किसी शक की जरूरत नहीं कि ये लोग बैन अल-अक़वामी एजेंडा है इनका। मैं कोई इन्हें सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता गद्दारी का, लेकिन आप बतौर एक पाकिस्तानी सोचें, ये इन तमाम चीजों को आप जोड़ के पढ़ें, मिला के पढ़ें किस कदर प्रेशर पाकिस्तान पे आ रहा है और हमले हो रहे हैं। अब तो देखें कल कोई और बड़ा हमला हो सकता है, ये हो सकता है वार्निंग शॉट हो उनकी तरफ से। तो इस मौके पर ये जो सारे इश्यूज उठाकर जो भारत नवाज एजेंडे को आगे लेके चलना या पाकिस्तान के दुश्मनों को तकवीयत देने के लिए कोई ऐसा काम करना इंतहाई अफसोस।